अर्थ हमारी नहीं किसी और की, जहाँ पर खुशियां मनाई जा रही थी रजिस्ट्रेशन डे के लिए। वही रजिस्ट्रेशन डे जो कि सिविल वॉर के बाद हुआ था। इसका मतलब था आयरन मैन जीत चुका था और टीम कैप हार चुकी थी। इसका जश्न पूरे शहर में मनाया जा रहा था। टीम आयरन मैन में थे कैप्टन मार्वल जो कि थी कैरल डैनवर्स, थंडर स्ट्राइक जो कि थॉर ओडिनसन का क्लोन था, आयरन पेट्रियट यानी कि टोनी स्टार्क जो कि अब प्रेसिडेंट बन चुका था, और पेनंस जो कि था रॉबी बाल्डविन। माफ करना अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती कर दी हो तो। आयरन स्पाइडर, नताशा रोमनॉफ, ये पूरी टीम थी आयरन मैन की। और इन लोगों को टीवी पर देख रहे थे सेल में कैद हुई टीम कैप, जिसमें थे स्पाइडरमैन जो कि पीटर पार्कर था, इनविजिबल वुमन सुजन स्टॉर्म, गोलाइथ बिल फॉस्टर, पनिशर फ्रैंक कैसल और स्टीव रॉजर, जिनका अभी कोई भी कोड नेम नहीं था। और ये लोग अपनी हार और पिटाई के बाद कुछ मॉरल्स के बारे में बात कर रहे थे। और स्पाइडरमैन कह रहा था कि मेरी स्पाइडर सेंस टिंगल कर रही है, लेकिन कैप उसे बताता है कि मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब कैप नहीं रहा, क्योंकि स्टार्क ने हमें बीट कर दिया है और हम अब सिर्फ ट्रेटर है जो कि अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। सुसाइड मिशंस थंडरबोल्ट्स के लिए बनाए गए थे, या फिर थंडरबोल्ट्स सुसाइड मिशंस के लिए। लेकिन ये स्ट्रेंज है कि हम अब हार चुके हैं। हालांकि लग तो यही रहा था कि जो शुरुआत से हुआ वो सब टोनी का प्लान था और एंड भी टोनी के फेवर में ही निकला, और वो मुझे नहीं लगता कि बेटर के लिए विश कर रहा होगा। यहाँ पर टीम आयरन मैन जीत का जश्न तो मना रही थी, लेकिन तभी एक लाइट शो शुरू होता है जो कि लाइट शो कम और एक अराइवल ज्यादा था। अराइवल माइस्ट्रो का फ्यूचर हल्क, जिसे देखकर लोग समझ रहे थे कि वो इनक्रेडिबल हल्क है, लेकिन ऐसा नहीं था। और जैसे ही टीम आयरन मैन माइस्ट्रो को देखती है, उसे भी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं उसे मारने के लिए। नताशा रोमनॉफ जो कि आर्मर में थी आयरन स्पाइडर के, वो पहले उस पर हमला करती है और कहती है, क्लोजअप लुक से ये लगता है कि ये आर्मर ऐसा लग रहा है जैसे टोनी ने बिल्ड किया है, लेकिन फिर भी ये हम पर भारी नहीं पड़ सकता, क्योंकि हल्क अपने प्राइम में भी मुझ पर हाथ नहीं रख पाया था। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ वो उसे पीटने जाती है, लेकिन होता उल्टा है। माइस्ट्रो ही उसे पकड़कर पीटने लगता है, तब थंडर स्ट्राइक यानी कि ओडिनसन का क्लोन अपना हैमर उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन उसे अपने हाथ में पकड़कर माइस्ट्रो कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए वर्दी नहीं था, है ना, लेकिन आइसोस्फीयर मेरे लिए वर्दी थी। और उस हैमर को तोड़ते हुए वो कहता है, और अगर मैं इसे उठा सकता हूँ इसका मतलब ये फेक है, और साथ ही तुम भी फेक थॉर हो। तब थंडर स्ट्राइक कहता है, हाँ मैं क्लोन हूँ उस ग्रेट हीरो का, लेकिन तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। और तब पेनंस कहता है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ थंडर स्ट्राइक, लेकिन अब वो मेरा दर्द समझेगा। एक एक कर सभी लोग उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन फिर भी आइसोस्फीयर के साथ वो उन सबको डॉज करके वहां से टेलीपोर्ट कर लेता है, और साथ ही कहता है, अब नेक्स्ट स्टॉप होगा बैटल वर्ल्ड। और ये सब थंडरबोल्ट्स देख रहे थे टीवी पर, और तब कैप्टन कहता है, ये लक नहीं बल्कि ये टेलीपोर्टेशन एनर्जी है, और अब मैं कैप्टन फिर से बन चुका हूँ, और हमें जल्दी कॉल आने वाली है, और तब हम जाएंगे एक लिटिल ट्रिप पर। लेकिन फिलहाल बैटल वर्ल्ड में कुछ हीरोज अपनी ट्रिप पर थे, जैसे कि बुलजाय, एरिस, आउटलॉ, व्हाइट फॉक्स, गुलोटिन, वो लोग वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लोग उसमें नाकाम हो रहे थे। तभी थकार कर बुलजाय क्रिक में कुछ बड़बड़ाती है, जिस पर गुलोटिन, व्हाइट फॉक्स, एरिस उसे रिप्लाई करते हैं, लेकिन आउटलॉ जिसे वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी उसके लिए वो सिर्फ एक बेफालतू की बकबक थी। और यही चीज माइस्ट्रो अपने थ्रोन रूम में देख रहा था, और साथ ही पनिशर 2099 को वो चीजें बता रहा था कि वो लोग अभी भी ये नहीं समझ पा रहे कि वो लोग यहाँ पर वहां से आए कैसे थे। तब जैक गैलोस कहता है, तो फिर तुम उन्हें अपने अपने सेल्स में क्यों नहीं डाल देते? तब वो कहता है, ताकि तुम उन्हें फिर से खो दो, मैंने कहा है गैलोस कि तुम्हें अपना चांस मिला था। तब गैलोस कहता है, ठीक है तो मार दो उन्हें, या फिर ये सिम्बियोट्स को जो कि आधे सेंट्री और आधे वेनम है उन्हें भेजो, या फिर अपने उस ब्लू में से कोई बोल्ट निकालो और उन्हें मार दो, लेकिन अभी करो। तभी ओल्ड रिंग जोन्स पीछे से आते हुए कहता है, नहीं वो नहीं कर पाएगा। तब गुस्से में मास्टर कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने की और बात करने की परमिशन नहीं दी है। तब वो कहता है,
तो फिर मुझे मार दो या फिर मेरा मर्डर कर दो। लेकिन ये हल्का स्टाइल नहीं है। तब माइस्ट्रो कहता है, माइस्ट्रो जॉन्स, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, माइस्ट्रो। तब जैक एलोंस कहता है, तो फिर ऐसा करो कि उनके क्लोजअप में जाओ, टेलीपोर्ट करो उनके पास और अपने हाथों से उन्हें मार दो। इतनी पावर रख के तुम करोगे क्या? तब रिक जॉन्स कहता है, नहीं, वो ये भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसे चैलेंजेस पसंद है, और जैसे ही आइसोस्फीयर इस्तेमाल करना कोई चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ एक चींटी को मसलना या फिर किसी पिंपल को फोड़ने बराबर है। तब माइस्ट्रो उसे अपने हाथ में पकड़कर कहता है, क्या कहा था तुमने? कि चींटी को मसलना या फिर पिंपल को फोड़ना, और मैं ये मैनेज कर सकता हूँ। और तभी जैक गैलोज उसे पुकारते हुए कहता है कि माइस्ट्रो यहाँ पर देखो, प्रिजनर्स को कुछ मिला है। तब वो लोग देखते हैं कि बचे हुए कंटेस्टेंट्स आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पर सभी लोगों को ग्रीक आ रही थी लेकिन आउटलॉ को नहीं, और आउटलॉ इसी बात से परेशान था। तभी आउटलॉ व्हाइट फॉक्स से कहता है कि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और ना ही मैं ट्रेंड हूँ तुम लोगों की तरह। तभी कोई पीछे से कहता है, हाँ ये सही है। और तभी हम देखते हैं टीम आयरन मैन को, जहाँ पर आयरन मैन कहता है कि तुम ट्रेन नहीं हो और ना ही रजिस्टर्ड हो, यही इशू है मेरे लिए। और यही चीज थ्रोन रूम में माइस्ट्रो जैक गैलोज और ओल्ड रिक जॉन्स देख रहे थे, जहाँ पर माइस्ट्रो उन्हें बताता है कि मैंने उनकी मेमोरीज मिटा दी है यहाँ पर लाने की, और उन्हें अब भी यही लगता है कि वो अपने ही अर्थ पर है वायलेंस रोकने के लिए, और वो अनरजिस्टर्ड सुपर कॉम्बेटेंट्स को ढूंढ रहे हैं। तुमने सही कहा था रिक जॉन्स, ये तुम्हारे बारे में इरिटेटिंग है। मेरे अंदर का हल्क अभी भी एक रियल फाइट चाहता है, और क्योंकि मैं पावरफुल हूँ, गॉड हूँ, तो सिर्फ मैं बैठकर देखूंगा। और अब कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस शुरू हो चुकी है। यहाँ पर टीम आयरन मैन को देखकर एरिस सब लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है और उसकी लीड फॉलो करने के लिए कहता है, और वो बहला फुसलाकर टीम आयरन मैन को वहां से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरन मैन समझ जाता है कि वो उसकी अर्थ का एरिस नहीं है, और इससे वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो एक स्क्रल है, शिफ्ट शिफ्टिंग एलियन। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये चीज पैरेलल यूनिवर्स की वजह से हो रही है। लेकिन जैसे ही एरिस पर अटैक होता है, व्हाइट फॉक्स और सारे लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पर व्हाइट फॉक्स कहती है, अगर हम एक साथ रहे तो वो एक साथ सबको मार देगा, इसीलिए स्प्लिट अप हो जाओ। और एक एक करके हर एक अपने अपने अपोनेंट से लड़ने लगता है। यहाँ पर पेनन्स अपने अपोनेंट यानी के आउटलॉ के साथ लड़ने लगता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या तुम्हारे पास भी कोई सुपर पावर है? तो वो कहता है, नहीं, बस एक फनी टी शर्ट और कुछ बैड डिसीजंस। इसके साथ ही वो उसके सर पर पंच करता है, लेकिन उसका सर हेलमेट की वजह से ढका हुआ था और इस वजह से उसे पेन होता है आउटलॉ को। और तब पेनस कहता है कि यही मेरी पावर है, पेन मुझे चार्ज करता है। यहाँ पर दूसरी तरफ आयरन स्पाइडर यानी कि नताशा और गुलोटिन दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे, एरिस और आयरन मैन एक दूसरे से लड़ रहे थे, और एक एक करके वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी एक थंडर स्ट्राइक होता है और वो देखता है किसी और को, जहाँ पर वो कहता है कि कम ऑन स्टार्क, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपने ही अर्थ पर हो? तुम अब एक एलियन वर्ल्ड पर हो, एक ब्रोकन डायमेंशन जो कि हमारे टाइम और स्पेस से कहीं दूर है, और क्योंकि तुम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हो तो तुम्हें बचाना एक सुसाइड मिशन है, और सुसाइड मिशन पर थंडरबोल्ट्स हमेशा आते हैं। तभी हम देखते हैं टीम कैप को, जो कि प्रेसिडेंट और उसकी टीम को बचाने आ चुकी थी। तो इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।